लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज नई मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और नई मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को रोकने, आरोग्य सुविधाओं को और बढ़ाने, पानी की किल्लत दूर करने के साथ ही यूटिलिटी भूखंडों की बिक्री रोकने जैसे विविध नागरिक समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। इस दौरान महापौर जयवंत सुतार, पूर्व मेयर सुधाकर सोनाव ने, सागर नाइक, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत एवं वरिष्ठ नेता दशरथ भगत भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। किल्लत दूर करने, सप्लाई का पुनर्नियोजन करें। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज मनपा प्रशासक अभिजीत बांगर से अपनी साप्ताहिक मुलाकात में नवी मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को रोकने, कोरोना नियंत्रण एवं आरोग्य सुविधाओं को और बढ़ाने पर जोर दिया। बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने भी यहाँ सवाल उठाया और उसके समाधान की मांग की। सबसे अधिक चर्चा पानी की किल्लत को लेकर हुई। इस पर विधायक गणेश नाइक ने अगले 15-20 सालों में होने वाली पानी की किल्लत की जरूरतों को देखते हुए वाटर सप्लाई पुनर्नियोजित करने का सुझाव दिया। चर्चा के दौरान उन्होंने सिडको और MIDC द्वारा की जा रही यूटिलिटी भूखंडों की बिक्री को रोकने के लिए मनपा आयुक्त को जरूरी पहल करने का भी आह्वान किया। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने शहर का पानी जो MIDC से मिलने वाला और शहर को दिया जा रहा है, उस पर सख्त उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। आयुक्तों के हमने बोला है कि भाई इस बारे में आप MIDC को सख्त आपकी नापसंदी व्यक्त करो और मोरबे का पानी दीघा तक उसकी पाइपलाइन का काम चालू हो रहा है वो जल्दी ख़त्म करो और मोरबे का पानी वहाँ तक पहुँचाओ। मोरबे धरण का पानी आगे 10-15 साल के बाद में वो कमी पड़ने वाला है, इसलिए मैंने आयुक्त महोदय से बोला है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप पत्र लिखो कि री एलोकेशन ऑफ वाटर, पानी का पुनर्वाटप, उसमें जो जून जुलाई में टाटा का हाइड्रो पावर से जो पानी निकलता है खोपोली पातालंगा से जो खाड़ी में मिलता है वो तो 2 महीना महापालिका को मिले, तो टॉप लेवल से यदि वहाँ से कलेक्ट किया गया तो भोकरपाड़ा के अपने फिल्टर प्लांट में वो पानी आ सकता है, 300-400 करोड़ रुपया खर्चा हो सकता है, लेकिन 1.5-2 महीने का बंदोबस्त होता है। 1.5-2 महीने का शहर का बंदोबस्त होने के लिए 400-500 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके लिए मैंने उनको बोला कि मैं अब पत्रव्यवहार शुरू करूँ, जरूरत पड़ने के बाद में इधर हमारी जरूरत है उधर हम भी उधर पे दखल देते हैं। अम्बेडकर स्मारक एलिवेटेड रोड निर्माण का लेंगे जायजा। इस दौरान पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि ऐरौली में निर्माणाधीन अम्बेडकर स्मारक, ऐरौली काटई एलिवेटेड रोड और पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने के वार्ड में बनाए जा रहे अंडरपास का निर्माण विवादों में है, जिसका जायजा लेने के लिए वे जल्द ही दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों उपक्रम जरूरी हैं और जन उपयोग के लिए इनका जल्द निर्माण होना चाहिए। आने वाले सोमवार को मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन को विजिट कर रहा हूँ। सुधाकर जी सोनावने के जो बस्ती है वहाँ से जो थाने बिलापुर रोड में जो सबवे निकल रहा है उसको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मुलुंड से जो जाने वाला जो रोड है काटई पहाड़ को चीर के उसका भी ऑब्जर्वेशन कर, 3 जगह पे मैं सोमवार को जाने वाला हूँ। देखिए इस शहर में हमारा ये दावा नहीं है कि भाई ये हमारे वजह से हो, इसमें सब लोगों का सहभाग, जनता का सहभाग है, आपकी मीडिया का सहभाग है और पार्टी के लोगों का भी सहभाग है, अपना शहर सुंदर बने ये इसके लिए अपन सब प्रयत्नशील रहने के लिए जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।